सबसे पहले मादा बटरफ्लाई अंडे देती है। अंडे से लार्वा यानी कैटरपिलर निकलते हैं। अंडे से निकलते ही कैटरपिलर इतने भूखे होते हैं कि ये अंडे के शेल को ही खा जाते हैं। लेकिन जब ये पत्ते खाना स्टार्ट करते हैं ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते वक्त ये कई बार अपनी स्किन को भी निकालते हैं। जब ये काफी हद तक बड़े हो जाते हैं तो ये खाना छोड़ देते हैं। इसके बाद ये अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। बटरफ्लाई के इस स्टेज को क्रिसालिस कहते हैं। इस स्टेज में कैटरपिलर को प्यूपा कहते हैं। क्रिसालिस में प्यूपा कोई हरकत नहीं करते। क्रिसालिस में प्यूपा कई मरहलों से गुजरता है। तकरीबन 15 दिनों के बाद एक एडल्ट बटरफ्लाई क्रिसालिस से बाहर आती है। जब बटरफ्लाई बाहर आती है तो इसके पंख बहुत छोटे और गीले होते हैं। बटरफ्लाई अपने पंखों को मजबूत और फैले हुए बनाने के लिए तरल पदार्थ पंप करती है, जिसके बाद कुछ घंटों में ही बटरफ्लाई के पंख इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो उड़ने लगती है। बटरफ्लाई की जिंदगी के चक्र में होने वाली इन तब्दीलियों के सिलसिले को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।